जी सिक्स न्यूज़ में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहान बोरा। दर्शक मित्रों, फिर से नई खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। उन्नाव में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के आश्रम में दबी मिली दलित लड़की की लाश। न्याय के लिए मां कूद गई थी अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे। यूपी के लखनऊ में अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे आत्मदाह करने का प्रयास करने वाली दलित महिला की बेटी की लाश समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री के उन्नाव आश्रम से बरामद कर ली गई है। शव को शहर के दोस्ती नगर स्थित कब्बाखेड़ा दिव्यानंद आश्रम के पीछे सेप्टिक टैंक में कंबल में लपेटकर दफनाया गया था। इस मामले में आरोपी समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री रहे दिवंगत फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजोल सिंह उर्फ राजू सिंह है। उन पर युवती को गायब करने की रिपोर्ट 8 दिसंबर 2021 को दर्ज करवाई गई थी। शव की बरामदगी 10 फरवरी 2022 को की गई है। उन्नाव के एडिशनल एसपी ने इस मामले में बयान देते हुए बताया, पिछले 8 दिसंबर को एक युवती की गुमशुदगी दर्ज की गई थी। उसी की डेड बॉडी आज यहां से बरामद हुई है। इसमें बाद में एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। इसकी विवेचना COCT द्वारा की जा रही थी। इसमें जिस पर संदेह था उसको हमने गिरफ्तार किया था। साथ ही हम कुछ अन्य सूत्रों के अनुसार अपनी जानकारी कर रहे थे। उन्हीं के निष्कर्ष से आज यहां डेड बॉडी बरामद की गई है। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हम आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो लोग भी इस घटना में शामिल होंगे उनको हम निश्चित तौर पर सजा दिलाएंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस घटना को दुखद बताया है। उन्होंने लिखा, उन्नाव जिले में सपा नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना अति दुखद व गंभीर मामला। परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण व हत्या को लेकर सपा नेता पर शक कर रहे थे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे। 8 दिसंबर से बेटी के गायब होने के बाद पीड़ित मां लगातार उसे तलाश कर रही थी। इस मामले में आरोपी हाई प्रोफाइल था, जिसके कारण पुलिस भी काफ़ी सतर्कता से आगे बढ़ रही थी। गुमशुदगी की शिकायत 11 जनवरी को एफआईआर में बदल दी गई थी। इस केस में SC ST एक्ट भी लगाया गया था। न्याय में देरी होती देखकर पीड़ित मां 24 जनवरी को लखनऊ में अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे कूद गई थी। पीड़ित महिला को पेट्रोल डालते हुए अखिलेश यादव ने भी देखा था, मगर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद उनकी गाड़ी चली गई। वहां पर मौजूद यूपी पुलिस कर्मियों ने तब पीड़िता महिला को रोका था और किनारे ले आई थी। इसके बाद पुलिस ने 25 जनवरी को सपा नेता के बेटे राजोल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। राजू सिंह को 4 फरवरी के दिन पुलिस रिमांड पर लिया गया था। काफ़ी प्रयासों के बाद भी उसने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। इस बीच पुलिस ने अपने सूत्रों से शव का पता लगा लिया। पुलिस टीम ने मौके पर जाकर खुदाई करवाई। युवती का शव लगभग 4 फीट नीचे दबा मिला। लड़की की मां ने पुलिस पर शुरुआत में ढिलाई का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने इस आरोपों को खारिज किया है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक उन्नाव के पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिवेदी ने बताया, राजू ने घटना के दिन लड़की को झांसा देकर आश्रम में बुलवाया था। वहां उसके और भी साथी मौजूद थे। उन सभी ने मिलकर मृतक का गला घोंटा। मृत्यु हो जाने के बाद आरोपितों ने शव को कंबल में लपेटकर टैंक में दफना दिया। इस केस में अब हत्या समेत कई और धाराएं भी बढ़ेगी। जांच के उपरांत जो भी शामिल मिला उस पर कठोर एक्शन लिया जाएगा। इस मामले में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्विटर पर लिखा है, अखिलेश यादव जी सपा नेता के खेत में दलित बेटी का शव बरामद हुआ है। जब बेटी की मां आपकी गाड़ी के सामने गिड़गिड़ा रही थी तो उनकी बात नहीं सुनी और सपा नेता का संरक्षण करोगे? नई सपा में सपाइयों का हर घिनौना अपराध माफ करोगे? जांच कर दोषी को दंड और पीड़ित को न्याय दिलाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई खबरों को लेकर। देखना ना भूले जी6 न्यूज़।